अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलीनास कुकिंग एंड ब्लॉग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हमारा आज का ब्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ख़ास है और बहुत ही ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो लोग यूट्यूब करते हैं और ब्लॉग्स बनाते हैं। ये जो है रोली कैम्बल, ये एक स्टैंड है जिसके ऊपर हम अपना मोबाइल लगाते हैं और वीडियो बनाते हैं। पिछले दिनों जो आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी एयरपोर्ट की, वो इसी के साथ बनाई गई थी। जब हम इसके साथ अपना मोबाइल अटैच करते हैं तो वीडियो का रिज़ल्ट बहुत ही शानदार आता है। इसे हमने मीडिया मार्ट से ख़रीदा है। आप चाहें जैतून या कहीं और से भी ख़रीद सकते हैं और ऑनलाइन भी ये आसानी से मिल जाता है, लेकिन हमने इसे मीडिया मार्ट से ख़रीदा है चंद दिन पहले। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे रोली कैम्बल की अनबॉक्सिंग। ये एक बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर इसे रखा गया है। बहुत ही इसकी पैकिंग जो है अच्छी है ताकि ये ख़राब ना हो। इसको हमें चार्ज करना पड़ता है। घर में जो हम वीडियो बनाते हैं कुकिंग की, वो तो बनाई जाती है कैमरा स्टैंड से, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन जब हम बाहर आउटडोर वीडियो बनाते हैं तो सेल्फ़ी स्टिक के साथ भी इतना शानदार रिज़ल्ट नहीं आता, तो उसके लिए रोली कैम्बल जो है वो परफेक्ट है। उसके साथ आपको ये एक छोटा सा स्टैंड मिलेगा, बहुत ही आसान है। इसको आपको रोली कैम्बल के साथ अटैच करना है। अगर आपने इसे एक जगह पे रखना है और रख के आसानी से आप वीडियो बना सकते हैं। आप चाहें तो इसे घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब आप बाहर जाते हैं तो ये वाला स्टैंड जो है आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान है इसे लगाना। इस तरह से आप इसे लगा देंगे और खोल लेंगे। जहाँ पर भी आपने रिकॉर्डिंग करनी है आप आराम से इसे एक टेबल पर रख दें और अपनी जो वीडियो है आप आसानी से बना सकते हैं। लेकिन इसे अगर आप जब बाहर वीडियो बनाते हैं उस टाइम पे इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छी वीडियो बनती है। मैं सिर्फ़ इसे बाहर जब वीडियो बनाती हूँ तो ही इस्तेमाल करती हूँ। पहली वीडियो आपके साथ मैंने बताया कि शेयर कर चुके हैं जो एयरपोर्ट की बनाई। रोली कैम्बल को हमें चार्ज करना पड़ता है। जब आप इसे एक दफ़ा चार्ज कर लेते हैं तो आराम से आप 4 से 5 घंटे की वीडियो बना सकते हैं। इसे चार्ज करना है बहुत आसान है। एक छोटी सी तार साथ ही मिली है, आपने उसे लगा के चार्ज कर लेना है। रोली कैम्बल के साथ आपको ये छोटी बुक्स मिलेंगी जिसमें तकरीबन काफ़ी सारी लैंग्वेज है, जर्मन है, इंग्लिश है। आप देख सकते हैं कि इसका वज़न कितना है और ये कि आपने इसे इस्तेमाल कैसे करना है। पूरी तफसील जो है वो इस किताब के ऊपर लिखी हुई है, जो बहुत ही आसान है। इसे देखते ही आपको पता चल जाएगा कि आपने इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है। बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने इसे डिटेल में बताया है।
अब हम आपको इसके साथ एक जो मोबाइल है वो लगाकर दिखाएंगे। लेकिन ये जो रोली कैम्बल है ये सिर्फ मोबाइल के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, आप इसको कैमरे के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये सिर्फ मोबाइल के लिए ही बना हुआ है। आपने देखा है कि जो साथ में किताब मिली है उसके ऊपर भी जो ये स्टैंड है उसके साथ मोबाइल ही अटैच किया गया। अब हमने इसे चार्ज कर लिया है। और हमने लगा दिया है एक मोबाइल और देखिए इसके साथ बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है। आप इसे जैसे चाहें, ये छोटा सा जो गोल बटन है आप इसकी मदद से राइट लेफ्ट ऊपर नीचे इसे घुमा सकते हैं। रोली गैम्बल जो है एक बहुत ही शानदार चीज़ है, इसके इस्तेमाल से आप बहुत ही आसानी से घर में या घर से बाहर वीडियो बना सकते हैं। तो बताइएगा प्लीज़ कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो और रिव्यू। हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।